बस सो ये खुशी इसलिए है क्योंकि वीकेंड चालू हो गया, आज है सैटरडे इवनिंग और अपना वीकेंड जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ से। वैसे इस वीडियो का कोई भी प्लानिंग है नहीं, बस यही प्लानिंग है कि जो भी इस वीकेंड पे होगा वो व्लॉग पे जाएगा। तो आगे आगे आप देखेंगे कि इस वीकेंड पे क्या होता है एंड मैं अपने वीकेंड्स नॉर्मली कैसे स्पेंड कर रही हूँ आजकल। सो शुरू करते हैं ये वीडियो। कसा काय मंडळी, काय चाललंय, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉस्ट लॉयर। इंट्रो सुन लो। वीकेंड्स आर ऑलवेज विद केटी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ से मैं जा रही हूँ साकी नाका एंड वहाँ से केटी को और शशांक को पिकअप करेंगे और उसके बाद मोस्टली तो हम लोग घर पे जा रहे हैं, बट यू नेवर नो, है ना। सो डिसम्बर इज ऑलवेज अ चेयरफुल एंड हैप्पी मंथ क्योंकि इसमें आता है क्रिसमस, न्यू ईयर्स एंड जैसे ही न्यू ईयर्स के हैंग ओवर से हम उतरते हैं वैसे ही मेरा बर्थडे आता है 13 जनवरी को। सो बर्थडे की फुल ऑन तैयारी करने वाली हो। वैसे तो इस साल कुछ तैयारी नहीं है, इस साल जो है वो आगे आने वाली दो शादियों की तैयारी होने वाली है। वैसे वो दोनों भी शादियाँ हम कवर करने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अभी चलते हैं, बहुत हो गई बड़बड़, लेट्स गो। साकी नाका से केटी और शशांक को पिकअप किया और वहां से हम लोगों ने सोचा कि आरे के रास्ते से साकी नाका, आरे का जो रास्ता है वहां से जाएंगे, बट फिलहाल आरे का जो एंट्रेंस है वो पवई साइड से फिलहाल बंद है, इसीलिए वहां से हम लोग जा नहीं पाए और हमको जबरदस्ती लेना पड़ा है JVLR और यहाँ से दिखा रहा है कि हमको एक घंटा लगने वाला है, एक घंटा पहुँचने के लिए और फुल जैम पैक है कुछ इस तरीके से। सो ट्रैफिक जो है वो फुल जैम पैक है। केटी चलो, चले चले, नहीं ना, नहीं 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 नहीं। सैटरडे का माहौल बनाने के लिए आई एम मेकिंग नाचोस। सो इसके नीचे जो है वो नाचोस है, उसके ऊपर थोड़ा पनीर, टमाटो, चिकन और थोड़ा चीज डाला है। उसी के साथ ये दो चीजें डालने वाली हूँ मैं, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। एंड मम्मी की जो मास्टरपीस बन रही है वो है यहाँ पे। सो ये है चिकन व्हाट कटलेट, चिकन कटलेट यस। और उसके बाद हम लोग खाने वाले हैं ये चिकन करी, ये चिकन करी हम खाने वाले हैं उसके बाद। सो ये है हमारा फाइनल सेटअप। हाय हाय,
मॉर्निंग एवरीवन. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और सुबह उठते ही मैं, शशांक और केटी, हम तीनों आए हैं आरे में. आरे जो है वो हमारा सबसे फेवरेट जगह है क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे फ्रेश एयर होती है. इतने सारे लोग वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, साइकिल करते हैं. एक माहौल ही यहाँ का बहुत अलग और पॉजिटिव होता है. सो संडे मॉर्निंग ऐसे शुरू करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है. फीफी का केक जो है वो शशांक क्लीन कर रहा है. एवरीडे मैं करती हूँ. ऐसे कोई सुनता है क्या पाइप? एवरीडे वंस इन टू डेज मैं क्लीन करती हूँ. संडे को शशांक क्लीन करता है. और हमारे पास है छोटू बर्डी. कबूतर का पिल्लू है ये. इसको उठा के देखें क्या कबूतर की बिल्ली. सो फीफी का केज फुल साफ हो गया और ये उसके लिए नया बेड डाला है. ये फीफी का पुराना बेड है एंड दिस इज द न्यू वन एंड शी समवेयर इनसाइड. सो दो हफ्ते पहले तक मेरे बाल जो है वो थे रेडिश कलर के एंड विथ हेयर वॉश एंड थोड़ा सा ऑयलिंग उसमें का कलर आहिस्ते आहिस्ते निकलते गया. एंड अभी जो बालों में है दैट इज़ फुल ब्लीच वाला पोर्शन. कुछ कुछ एरिया मतलब लाइट होते होते ग्रीनिश कलर का होते जा रहा है. सो अब टाइम है कि हेयर कलर को वापस थोड़ा चेंज किया जाए. सो और यहाँ पे मैं व्लॉग्स देखते देखते हेयर कलर करने वाली हूँ. फाइनल रिजल्ट बाल का. एक्चुअली जो है मैं कर रही थी चेरी ब्लैक फ्रॉम लॉरियल बट उसका पता नहीं ब्लीच पे ये ऐसे कलर चढ़ के ये वापस रेडिश ही लग रहे. पर कोई बात नहीं, ये भी पसंद है. कोई भी कलर आए अपने को सब कलर पसंद है. तो लॉरियल कास्टिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट हेयर कलर क्योंकि उससे मॉइस्चराइजेशन जो है बालों को वो बहुत अच्छा आता है और बाल जो है वो अपने नेचुरल टेक्सचर की तरफ जाते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ऊपर से जो बहुत एक्सट्रीम ब्लॉन्ड थे वो चले गए हैं और एक रेडिश टिंट आया है. सो आई लाइक दैट एंड कर्ल्स भी जो है वो एनहांस हुए हैं. सो आई थिंक आई लाइक दिस कलर. सो इट इज़ द सीजन ऑफ गाजर और गाजर का हलवा आज घर पे मॉम ने बनाया हुआ है. सो इसीलिए हम जो है वो ये गाजर का हलवा पहले गणपति बापा को खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे. सो हमारे गणपति बापा जो है वो यहाँ पे है.
सो आज के लंच में है हमारा गाजर का हलवा विच आई शोड यू एंड उसी के साथ ये चिकन. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी स्पेंड आर वीकेंड्स एंड आर संडेज. जब कोई भी बड़ा प्लान नहीं होता है तो आजकल के अपने संडेज कुछ इस तरीके के जाते हैं, सैटरडेज कुछ इस तरीके के जाते हैं और आज जो है वो एक्चुअली ट्यूसडे है क्योंकि मुझको ये वीडियो एडिट करने के लिए और एंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिला. सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड यहीं पे. आगे जो अगले व्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं क्योंकि बहुत ही जल्द अपने यार की शादी है यानी वंटास की शादी के पूरी जो सेलिब्रेशंस है वो शुरू होने वाले हैं. सो बहुत ही धमाल मस्ती वाले व्लॉग्स आने वाले हैं आगे आगे. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में. तब तक आप लोग आपका ख्याल रखिए और वीडियोस देखते रहिए. बाय.